कुछ जो है तेगा लग चुका है, कुछ लगाया जा रहा है। हाँ जी, हवा बंद थी बिल्कुल भी, और धूप इतनी तेज। लस्सी बन गई है, देसी लस्सी। भाभी जान ने बनाई है, वो गिलास छोटा वो बड़ा है। हमारे लोग जो है वो बहुत अच्छे और जबरदस्त होते हैं, सकेप करने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि हंसी मजाक वाले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद से तो आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जा रहे हैं, खुश रहे हैं, बाद रहे हैं, हंसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही घर पहुंच चुके हैं। और अपने घर की जो बात है वो ऐसी बात है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, और खाने बन रहे हैं, और घर भी बन रहा है। वाओ, अमेजिंग। क्योंकि घर में जो है एक अलग ही सुकून होता है। और इधर देख छोड़ो नूरुद्दीन, हाँ ऐसे ही ऊपर कमरे, फिर ऊपर कमरे, फिर ऊपर कमरे। हाँ जी इस्लामुद्दीन, आप कैसे बोलते हो? अच्छा, इंशाल्लाह कभी बनाएंगे। क्या बोल गया? जैसा बन जाएगा। सही है, कहती है ऊपर ऊपर फिर ऊपर कोठी, ऊपर ऊपर और फिर ऊपर कोठी। वाह, जो आशा के घर जाता था कोठी बनी रहती है, वही कह रहे हैं। हाँ वही भी बनाएंगे, फिलहाल दुआ करो ये बन जाए। ओए हैदर, इधर देख छोड़ो, ये क्या खेल रहे हो गुड़िया? किसको मुर्गे ने मारा है? ढोले को, पीछे से आके चिपक गया। छिट्टा मुर्गा है, छिट्टा हो गया है। हाँ मुंशी आ गए हैं उस्ताद, माशाल्लाह। तो उस्ताद आ गए हैं, काम स्टार्ट है माशाल्लाह। तो अभी चल के उधर भी विजिट आपको कराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएंगे, आज आपको सारा सिस्टम दिखाएंगे कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, और क्यों बन रहा है, कौन बना रहा है, किस लिए बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, सारा कुछ दिखाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारा सुबह का व्लॉग हो चुका है शुरू। जो न्यू आने वाले हमारे बहन भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। तो हमारे लोग जो है वो बहुत अच्छे और जबरदस्त होते हैं, सकेप करने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि हंसी मजाक वाले होते हैं। हाँ जी, और इंजॉय करने वाले होते हैं। बिल्कुल सही बताया है मैडम ने। जी हाँ, व्लॉग हमारे होते हैं बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग और मजेदार और जबरदस्त। तो देखा लाजमी, पूरा देखा करें और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, और हर किसी के साथ शेयर किया करें, और अपने चैनलों पर भी शेयर किया करें, अपने फेसबुक पर भी शेयर किया करें, और अपने व्हाट्सएप पर शेयर किया करें, और अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया करें, और हर जगह पर आपने शेयर कर देना है। जी हाँ, जो जो चीज आप चलाते हैं, देखते हैं, जहाँ आते जाते हैं, हर जगह पर आपने शेयर कर देना है। कैसे मोबाइल चला रहे हो? खाना बना लिया? हाँ जी,
खाना बना लिया है और आपकी और मुंशी की इंतजार है। अभी तो हमने नहीं खाना, मैंने तो नहीं खाना मुंशी का, पता नहीं क्योंकि मैंने उधर जाना है, विजिट कराना है और बहुत सारे काम शाम दिखाने हैं जी। फिर बाद में देखूंगा, अगर रब जाने ते हुसैन जाने जी। आप उधर विजिट कर ले, मैंने वो पता नहीं मिस्त्री है या मजदूर है, उन्होंने बोला है एक कप चाय और एक बिस्किट दे नाश्ते के लिए, मैं वो दे दूं, चाय बना ली है। वाह जी वाह, चाय बना ली, मुझे चाय पिला छोड़ो। चलो चाय पिला देती हूँ। फिर 11 बजे खाना खाऊंगा, ये देखे अभी 8:30 है, 11 बजे मैं खाऊंगा खाना जी। वो भी अचार के साथ। चलो ठीक है। हैदर ऐसे ना करो, पाते बहो नहा लिया, हैदर नहा लिया, हैदर आपको किसने बनाया, इधर देख के बता छोड़ो किसने बनाया। चल कच्ची बहो, कच्ची बहो, कच्ची बहो, चल लुका लुका अपने सांद्र वे। वाह वे, हैदर अली ने तो नहा लिया है, बाकी भी नहाएंगे, इनको रेडी कर लूं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी लिया है, मुंशी नाश्ता कर रहा है, तो इधर चल के जो है अपने काम की रूटीन देखते हैं कि काम जो है हमारा कहां तक पहुंचा है। इधर हमारी कार खड़ी है, कल इधर खड़ा दी थी, वैसे भी इधर ही खड़ी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी चलते हैं अपने काम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बॉस? ठीक ठाक है, दुआ शुक्रिया। माशाल्लाह आ गए हो बाबा जी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। उस्ताद क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद रसूल बख्श भी आ गए हैं माशाल्लाह। उधर का काम खत्म कर लिया? कैसे सर, सदिया ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सलामत आ गए हैं, फिट फाट। हाँ जी, भर्ती पूरी हो गई है? जी सर पूरी हो गई कैसे हो सरदार? ये छोटे हो गए हैं सर, ये पूरन सर, कोई छोटे नहीं, बराबर दीवार।
माशाल्लाह बीम के लिए सरिये जो हैं वो डाल दिए गए हैं और बत्ती भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है। और अभी जो है ये टाइल वाली जो ईंटें होती हैं ना इनके साथ ऐसे खड़ी टाइल लगाएंगे, टेका लगा रहे हैं सर, फिर वो सीमेंट बजरी का माल डालेंगे, सीमेंट बजरी रेत ये मिक्स करके फिर डाल देंगे। ये एक किस्म के हमारे जो है ना भीम बन जाएंगे और बहुत मजबूत बन जाएंगे इंशाल्लाह। जनाब पहुँचाई हो, आ गई हो जनाब, आप ये लस्सी पीना चाहोगी? लस्सी पीना चाहोगी? बोलो ना, कह दो। हाँ जी। आपका नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब, आपका नाम किसने रखा है? पापा ने। पापा ने, अच्छा। आपका भाई ठीक है और गुजिया भी ठीक है? माशाल्लाह। इधर जो है लस्सी बन गई है, देसी लस्सी। वाह जी वाह, भाभी जान ने बनाई है। वो गिलास छोटा वो पड़ा है, ले आओ। तो इधर से जो है पियेंगे लस्सी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि अभी चाय पी आया हूँ तो फिर कोई मसला नहीं बनेगा। कितनी देर हो गया? बस हो गए होंगे 10 मिनट। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, पक्की गाल है। एहसान चीनी ना गिराओ, मिक्स कर दो। आप ही से जाओ पानी की बोतल ठंडी ले आओ, सवेरे आप ही को कहो एक बोतल पानी की उठा दो, खट्टी है ज्यादा। खट्टी, खट्टी भी है? हाँ खट्टी। नहीं मैंने टेस्ट नहीं लिया, लाग तो ऐसी रही है, पता नहीं खट्टी है कि मीठी है। सही होगी, थोड़ा पानी डालो ना, पतली कर लो, खट्टी नहीं लगेगी। बोतल ले आए ना, ठंडा पानी डालोगी, नमक मिक्स कर लो। हाँ जी। और इधर का मौसम चेक कर लो, हवा तो बड़ी बेहतरीन आ रही है इधर से। लाइट रहे हैं, लाइट देखा नहीं है सुबह की चली गई है। लाइट नहीं है, लाइट ना होती तो हम ऐसे बैठ सकते थे गर्मी में? नहीं बिल्कुल गर्मी में नहीं बैठ। ये नीचे गिरा दिया नहीं। ये भी बर्फ बनी पड़ी है, पता नहीं पानी इसमें है या। चले मुझे लस्सी पिलाएं फिर मैं निकलूंगा। इधर से जो है लस्सी भी पी ली है और अभी मैं चलता हूँ छत पे, छत पे चल के फिर विजिट कराता हूँ, पूरे घर का विजिट कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। जो अभी बनना भी नहीं है, विजिट करा करा के ना आपको बेहोश कर दूंगा। ये देखिए इधर मुंशी सोता है और मुंशी का भाई सोता है कि पता नहीं नंबरदार सोता है, तो ये चार पाइया धूप में चलती रहती है सारा दिन। वकार है मर्द, क्या देख रहे हो? मकान कैसा बन रहा है? हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल सब्जी महंगी होती जा रही है। सब्जी है नहीं, खत्म हो गई है, सब्जियां खत्म हो गई, पूरी सब्जी को नहीं आएगी। ना टिंडा आएगा ना बताऊं आएगा। हाँ पहले रक्षा भरा हुआ होता था, अब सिर्फ टापू में माल पड़ा है। बंद गोभी या वो 100 रुपए किलो है। हैदर, ओए हैदर चल इधर आ, चल चलो जुलो जुलो घर। भिंडी 200 रुपए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आलू ले लिए हैं और आलू में हम डालेंगे आज चिकन, और चिकन डाल के सालन बनाएगा बेहतरीन। जो सालन है वो फिर हम मिस्त्री मजदूरों को आज गोश्त कराएंगे।
है, सब की फरमाइश है कि मिस्त्री मजदूरों को गोश्त खिलाओ, गोश्त खिला छोड़ो, गोश्त खवा छोड़ो। आवाजी वाह, आवाजी वाह, ओ नंगे तरंगे। आलू ले लिया, चिकन लेके फिर इनके साथ बना लेना है, आटा गूंद के मुंशी को दे देना, मुंशी रोटियां लगवाएगा। और पैसे नहीं है, अब पता नहीं कहाँ से लाऊंगा, मुखलिस भाई से ले लेता हूँ, या शहर चले जाए। असल मैं सोच रहा हूँ ना कि जब ईंटें लेने जाए ना फिर शहर से होकर जाए, क्योंकि आज हफ्ता है, फिर एतवार है, सोमवार वाले दिन शायद मिस्त्री मजदूरों को खर्चा देना पड़ेगा ना वहाँ, वो किसी से ले लेते हैं रोटी का। हाँ, उनको उनको उनसे ना एक साथ ले लेते हैं कुछ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब आहिस्ता नहीं सॉरी जब बैंक जाएंगे फिर उनको दे देंगे। इधर ना करो, आलू ना छेड़ो। तो आप पैसे ले आए, मैं जाता हूँ। हो गया, हाँ मैं उधर चलता हूँ, उधर से पैसे उधारे ले लेते हैं, बाद में उनको दे देंगे। हाँ आ गए हो इस्लामुद्दीन, क्या देखने आए हो? फोन आया था वो देने आए थे। अच्छा ये घर देख लिया, ये ईंटे हटा लें फिर ऊपर चढ़ जाओगे? वो उधर खड़े हो जाओ पिलर के साथ, चलो जाओ। हाँ इधर से चढ़ जाओगे? कैसे चलोगे? सर ऐसे नहीं चढ़ पाओगे, ये बहुत ऊंचा हो गया है। अब इधर से ना सीढ़ी लगेगी आपको ऊपर जाने के लिए। कुछ जो है तेगा लग चुका है, कुछ लगाया जा रहा है, इधर से भी लग चुका है। मुंशी साहब गया है गोश्त लेने, नहीं बजरी बोलते हैं, पूरी हो जाएगी उस्ताद बशीर, हो जाएगी पूरी, पूरी है। और मुखलिस साहब भी आ चुके हैं, कैसे हैं मुखलिस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, तबीयत फिट है बेहतरीन। अच्छा इधर गर्मी ज्यादा या उधर थी? यार इधर तो गर्मी है नहीं, उधर तो गर्मी है। इधर है कैसी मजेदार हवा चल रही है, यहाँ पे तो गर्मी होती भी नहीं है। हाँ जी हवा चलती रहती है, हवा चलती रहती है, कुछ देर सुकून करते हो दोबारा चल जाती है। वैसे आपको ना गर्मी उधर लगी है, मुझे लगता है आपकी शक्ल ना ऐसे काली हो गई है, गर्मी बहुत लगी है वहाँ पे, बड़ी सख्त गर्मी थी। फिर मुझे लगता है आप इसी दुपट्टे से मुंह पोंछते थे, फिर मजीद काला हो गया। यहाँ तो पोंछने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ तो पसीना है ही नहीं, देखें ये मजदूर खड़ा है। हाँ आज गर्मी है बिल्कुल नहीं, पहले दो तीन दिन ना बहुत ज्यादा गर्मी थी। एक उस्ताद आया था आजम खानपुर से, वो जो उस्ताद रसूल बश का ना उनकी जगह पर आया था, तो वो बेहोश हो गया, फिर उसको कैल्शियम वगैरह पिलाई, मुंशी ने इधर सुला दिया, फिर वो सोते हुए भी ईंटें झप रहा था। तो फिर मुंशी बोलता है कि यार आप सुकून करो, ईंटें ना झपो, जैसे वो ईंटें पकड़ाते नहीं है ऐसे झप रहा था। वो असल में गर्मी की वजह से ना जब बंदा बेहोश हो जाता है ना तो जहन काम करना भी छोड़ जाता है, तो जो वो काम सारा दिन करता रहता है फिर वो याद होता है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा किया है, बहुत गर्मी थी। ये अभी इनकी बर्दाश्त है, काफी देर से खड़े हैं ना, नहीं तो इतनी देर तो खड़े ही नहीं हो पाते थे इधर, इतना जुल्म था। बंद हो गई? हाँ जी हवा बंद थी बिल्कुल भी, और धूप इतनी तेज कि बंदा खाड़ भी ना सके, मैं खुद भी नहीं इधर आ सकता था। मैं नलके पर नहा रहा था फिर नलका टूट गया। वो जो बोलते हैं ना जो जब मुसीबत आती है ना तो हर चीज काम छोड़ जाती है,
तो मैं गर्मी के मारे ना इधर उस नल के न्यू पर ना नहाने बैठ गया, पर एक मोटर से कुछ नहाया, फिर जो नलके को गेरा ऐसे नलका भी टूट गया। मैंने कहा लो जी हो गया काम। चलें जी प्यारे बहन भाइयों, हमारा व्लॉग इसी के साथ खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।